इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसी इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एसी इंडक्शन मोटर में रोटर होता है और स्टेटर वाइंडिंग होता है। अब एसी मोटर दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज, एक थ्री फेज। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग जानते हैं कि हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। तो थ्री फेज सप्लाई होता है तो तीन फेज के हिसाब से हर फेज के लिए अलग अलग वाइंडिंग होता है। तो यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में, ये स्टेटर है और ये रोटर है, दोनों वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे काम होता है, ये बी फेज है से कंट्रोल होने वाला, मतलब बी फेज सप्लाई से ये वाइंडिंग काम करेगा और ये वाइंडिंग काम करेगा। आर फेज से ये वाइंडिंग काम करेगा, ये वाइंडिंग काम करेगा और वाई फेज से ये काम करेगा और ये काम करेगा, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो हर एक वाइंडिंग से रिलेटेड, फेज से रिलेटेड वाइंडिंग बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ख़त्म भी करता है। तो यहाँ पे बी फेज है, आर फेज है और वाई फेज है। तो हम लोग इस तीन फेज सप्लाई जो देते हैं ये मोटर को, उस फेज सप्लाई में जो वेव फॉर्म है उसके माध्यम से समझेंगे थ्री फेज का। तो ये डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हम लोग बी फेज देखते हैं। तो बी फेज जब हाई पोजीशन में है, जीरो से ऊंचा में सबसे है जब बी फेज, ठीक है, तो हमारा आर फेज और वाई फेज डाउन अवस्था में है। तो उस कंडीशन में हमारा बी फेज का जो वाइंडिंग सप्लाई हो रहा है, ये और ये मैक्सिमम मैग्नेट डेवलप करेगा, ठीक है, एसी मैग्नेट बनाएगा। और उस मैग्नेटिक डेवलपमेंट के कारण इसमें फैराडेस के इंडक्शन इफेक्ट के कारण टॉर्क पैदा होगा और ऊपर वाला जो ए भाग है वो आर वाइंडिंग की तरफ खसकेगा, मूव करेगा, और बी वाला ये वाला भाग, बी क्या है और ए क्या है, ये रोटर का सरफेस मान के चल रहे हैं कि ये एक ए भाग इतना है जो एक समय में बी फेज के वाइंडिंग के सामने था और बी वाला जो है उसके जस्ट विपरीत बी फेज के सामने था, वो मैक्सिमम वैल्यू में मैग्नेट डेवलप करते हैं। और ये सरफेस जो है ऊपर की तरफ आर वाइंडिंग के सामने ढकला जाता है और बी वाला जो है ये नीचे के आर वाइंडिंग के सामने ढकला जाता है, पुश कर दिया जाता है रोटेशनल टॉर्क के कारण। अब देखिए, जब ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक डेवलप होता है, उसके बाद क्या होता है, ये अब ये आर फेज हाई पोजीशन को प्राप्त कर लेता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, इस डायग्राम में समझिए, जब यहाँ से जब जीरो पोजीशन में है, मतलब इनिशियल पोजीशन में है, तो बी फेज हाईएस्ट पोजीशन में था, तो ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग काम किया और उस कारण से ए वाला सरफेस जो है आर की ओर मूव किया, आर वाइंडिंग की तरफ, और इधर वाला सरफेस नीचे वाला
वो भी आर वाइंडिंग की तरफ मूव किया। ये क्या होता है, एक वाइंडिंग में मिनिमम एक फेज के दो पोल होते हैं, तो दो उस मिनिमम पोल के हिसाब से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे दो पोल है बी फेज का, आर फेज का भी दो पोल के हिसाब से वाइंडिंग हो गया। अब जब ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो ये 0 से लेकर 90 तक के बीच में जो टाइम होता है वो कवर हो जाता है। कवर होते हैं क्या होता है कि आर फेज यहाँ मैक्सिमम वैल्यू में आता है। अब आर फेज यहाँ मैक्सिमम वैल्यू में आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड घट जाता है वह, और ये वाला बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इसके सामने सरफेस ए वाला इधर आ गया था, वो इसके द्वारा अब धकेला जाएगा आगे साइड में, और वही नीचे साइड में होता है जो सरफेस बी वाला यहाँ आ गया था वो धकेला जाता है इस साइड में वाई वाले वाइंडिंग के पास। ठीक है, अब समझिए, जब आर फेज डाउन होता है और वाई फेज हाईएस्ट होता है, यहाँ देखिएगा कब हो रहा है, ये लगभग 180 से आगे में। ठीक है, तो यहाँ कौन फेज हाई हो गया, वाई फेज। वाई फेज जब हाई होगा तो देखिए यहाँ पे कि बी और आर जो है, मतलब बी फेज और आर फेज कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, डाउन हो गया। तो अब यह इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा वाई फेज से संबंधित वाइंडिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तेज बनाएंगे, और उस समय उस कंडीशन में चूँकि ये आर और बी फेज डाउन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, केवल वाई फेज से संबंधित वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और ऑलरेडी ये जो सरफेस बी था यहाँ था, यहाँ से धकेला गया था यहाँ तक, तो वो अब फिर से धकेला जाएगा कहाँ पे, ए का इनिशियल पोजीशन पास चला जाएगा, शुरुआत में ए का जो पोजीशन था वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर जो ए सरफेस यहाँ आया हुआ था वो जो है वाई फेस के हाई होने के कारण ये बी के शुरुआती पोजीशन को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू ये रिपीटेशन वेव फॉर्म का चलते रहता है। फिर आगे देखेंगे, फिर जो है बी हाई हो गया, फिर आर हाई होगा, फिर वाई हाई होगा, इसी तरह क्रमशः चलते रहता है। और इसके कारण से क्या होता है, इसके फेस, इसको यहाँ पे जो फेस सीक्वेंस है बी आर वाई जो है, उस हिसाब से जो है अपना रोटेशन जो है एक दिशा में अपना चलता रहेगा। ये क्यों, एक दिशा में रोटेशन चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा, क्योंकि वह प्रक्रिया जो है बारी बारी से मैग्नेटिक फील्ड के बनने की प्रक्रिया प्रत्येक वाइंडिंग में अपनी चलती रहती है, और उस एक दिशा में रोटर को वो धक्का देते रहेगा। तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बना क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रत्येक वाइंडिंग अलग अलग समय में और एक निश्चित डायरेक्शन में बनाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में रोटर में डेवलप होने वाला जो फोर्स है वो एक डायरेक्शन में मिलने वाले धक्के के कारण, मतलब बल के कारण एक दिशा में रोटेट करते रहता है। अगर ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज अगर कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, तो ये मोटर रन करना छोड़ देगा क्योंकि इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बनने का मुख्य कारण क्या होता है कि रोटर सरफेस के आगे जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग जो है कुछ समय के लिए बनता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन
वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से टकराता है वो उस सरफेस को आगे वाले फेज वाले वाइंडिंग पास शिफ्ट कर देता है। तो इसलिए थ्री फेज में जो है इस फेज थ्री फेज सप्लाई का जो वेव फॉर्म है देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हर फेज एक फेज जब हाई रहता है तो दो फेज डाउन रहता है, मतलब डाउन मतलब पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि जब बी फेज यहाँ पे हाई है तो उसके अपेक्षा आर और वाई लो है, फिर आर फेज जब यहाँ पे देखेंगे हाई है तो उसके अपेक्षा वाई और बी लो है, फिर वही देखेंगे वाई जब हाई है तो आर और बी लो है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और उसके कारण जो है एक निश्चित डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रमशः रूप से बनते रहते हैं और उसी के कारण रोटर जो है एक निश्चित दिशा में रोटेट करते रहता है। तो समझ में आ गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं? तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।